अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। इफ़ यू आर जॉइनिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इफ़ यू हैवन सीन मी बिफोर, आई एम ए लाइफस्टाइल ब्लॉगर ऑन इंस्टाग्राम और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है, तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ इसको लेके। द रीज़न आई एम नर्वस इज़ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट आई फील मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नहीं सुनी, बट आई थिंक ये एक इशू है जो बहुत लोग हमारे इर्द गिर्द फेस करते हैं, विच इज़ हैविंग टॉक्सिक फ्रेंड्स। एंड हम कैसे एक सिचुएशन में आइडेंटिफाई करें पहले तो कि ये दोस्ती टॉक्सिक है, और फिर उसको ख़त्म कैसे करें। आई थिंक ये एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में बात करना। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक हेल्दी फ्रेंडशिप या एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपकी कभी कभार किसी दोस्त से बहस हो जाती है, दैट डज नॉट मीन दैट दे आर टॉक्सिक और दिस रिलेशनशिप इज़ टॉक्सिक। दैट जस्ट मीन्स देर अ गुड फ्रेंड हैविंग अ बैड डे एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन अगर आपकी कोई दोस्त है जो बार बार आपकी अपीयरेंस पे कमेंट करती है, आपकी फैमिली पे कमेंट करती है, आपके बाकी दोस्तों पे कमेंट करती है, शी सीम्स वेरी इनसिक्योर व्हेन यू ट्राई टू गेट क्लोज टू अदर पीपल इन पब्लिक सिचुएशंस, शी मेक्स अ कमेंट दैट पुट्स यू डाउन, और ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली हो रही हैं, दैट मीन्स दिस पर्सन इज टॉक्सिक, दे आर नॉट गुड फॉर यू एंड देयर समवन यू शुड नॉट बी अराउंड। अच्छा, इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स टॉक्सिक बिहेवियर की जो मुझे याद हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो ये है कि यू फील वेरी इमोशनली अनसपोर्टेड बाय योर फ्रेंड्स। सो इफ़ यू नीड देम एंड यू कॉल देम एंड आप उनसे अपनी कोई बात करते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और ये बार बार हो रहा है कि उनको आपके प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड इफ़ यू टेल देम दैट समथिंग दे डिड हर्ट यू, दे विल टर्न इट अराउंड एंड से ओ यू आर टू सेंसिटिव, यू नो तुम बातों को बहुत दिल पे ले लेती हो, तुम बहुत ड्रामेटिक हो, विदाउट एवर वैलिडेटिंग योर फीलिंग्स। एंड अगेन दिस कैन गो ऑन फॉर ईयर्स। आई हैव हैड इंस्टेंसेज वेयर आई वॉज इन अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप फॉर ईयर्स एंड आई फेल्ट लाइक समथिंग इज़ नॉट गुड विद दिस फ्रेंडशिप, बट मुझे पता नहीं था कि पहली बात कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप कोई चीज़ भी होती है, और दूसरी बात कि अगर कोई शख्स आपको पोअरली ट्रीट कर रहा है तो जस्ट बिकॉज देर अ फ्रेंड डजेंट मीन देर अलाउड टू ट्रीट यू, एंड यू डोंट ऑलवेज हैव टू सपोर्ट पीपल जस्ट बिकॉज आपने एक पॉइंट में उनसे दोस्ती कर ली। एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू डिसाइड ओके दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड दिस फ्रेंडशिप इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू एंड इट नाउ। अब जब आपने सोच लिया है कि मुझे ये दोस्ती ख़त्म करनी है, दिस इज़ वेयर द एक्चुअल हार्ड वर्क स्टार्ट्स, बिकॉज इफ़ समवन इज़ टॉक्सिक देयर इज़ अ गुड चांस दैट दे विल नॉट जस्ट लेट यू गो वेरी इजीली। इन फैक्ट जो बहुत से क्वेश्चन मुझे आए थे टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स के बारे में, उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी दोस्त से बहुत दफ़ा दोस्ती ख़त्म कर चुकी हूँ, बट शी कीप्स फाइंडिंग वेज टू कम बैक इन टू माई लाइफ। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स देयर आर टू वेज दैट यू कैन एंड टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। वन इज़ जस्ट क्विटिंग कोल्ड टर्की, कि आप उनको बताएं ओके दोस्ती ख़त्म, खुदा हाफिज़। और दूसरा ये कि ओवर टाइम यू नो आप में डिस्टेंस आ जाए एंड यू जस्ट मूव अपार्ट एंड ग्रेजुअली आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाए। इन माई पर्सनल लाइफ ट्वाइस व्हेन आई हैव एंडेड टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लाइक क्लीन के ओके आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर एंड वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। एंड द थिंग दैट I told myself was I do not owe these people explanations. They can wonder के ठीक है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, if I have the capacity in me to explain के अच्छा आपकी इस चीज़ ने मुझे बॉदर किया, मैं कर दूँगी एक्सप्लेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँगी आपकी ये हरकत मुझे दो साल से बॉदर कर रही है, they will turn around and you know again do the same thing के ओ तुम बहुत sensitive हो, and that conversation leads to nowhere. I'd had that conversation before. So I had just thought, okay, now is the time to just end this friendship, move on. That can mean many different things. For me, it just meant, you know, not engaging with them on WhatsApp, on call, Facebook pay. But I did not remove them off my Facebook and Instagram until much later. But I think if you want a clean break, it's also a good idea to just get rid of them on social media, because then you don't spend time and energy thinking about them. Because जब आप किसी को फेसबुक पे देख रहे होते हैं बार बार, तो आप सोचते हैं अच्छा अब ये कर रही है, इसके ये नए दोस्त बन गए, एंड यू दैट फिक्सेशन आल्सो इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो आई वुड रेकमेंड इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम दैट आई फील दिस फ्रेंडशिप इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी, पुट योर सेल्फ एट द सेंटर ऑफ द इक्वेजन, यू डोंट नेसेसरली हैव टू ब्लेम देम, जस्ट से इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी, आई वुड लाइक टू एंड इट एंड दैट्स इट, ख़त्म।
बट दिस इज ईजियर सेट देन डन, स्पेशली अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में हैं, सेम कॉलेज में हैं, या फिर अगर आप रूममेट्स हैं. सो इन दैट केस आई डू थिंक यू हैव टू गिव योर सेल्फ मोर स्पेस एंड आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म करना पड़ेगा. इवन अगर आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप उसमें लड़ाई करके बैठ जाएं, यू माइट फाइंड योर सेल्फ आइसोलेटेड. इन दैट केस आई थिंक इट्स बेटर दैट यू जस्ट स्लोली, यू नो, अगर आप रोज़ फ़ोन पे बात करते हैं, आप उसको कम कर दें. यू नो, यू टॉक वंस अ वीक. इफ़ यू टॉक फॉर एन आवर, यू टॉक फॉर 10 मिनट्स. इफ़ यू यूज टू टेल देम ऑल पर्सनल डिटेल्स अबाउट योर लाइफ एंड देन दे वुड से नेगेटिव थिंग्स, स्टॉप डूइंग दैट. जस्ट से हेलो, हाई, नॉर्मल गपशप. एंड ओवर टाइम, यू नो, दैट इमोशनल डिपेंडेंस जो आप दोनों के बीच में है वो खत्म होगी आहिस्ता आहिस्ता. दे विल प्रॉब्ली फाइंड न्यू फ्रेंड्स एंड यू विल फाइंड न्यू फ्रेंड्स. And I think that is an easier way, especially if you have to see them every day. I would say that also goes for toxic colleagues who you have to see every day, because if you just tell them straight up, hello, dosti khatam, they might go around making things difficult for you at work. Achha, koi bhi relationship khatam hona, chahe wo dosti ho ya koi bhi aur relationship, it is always painful. Aisa kabhi bhi nahi hota ki aapki kisi se 3 saal dosti thi and you stop being friends and the next day you feel amazing. And that is okay, you are human and that is normal ki aap us shakhs ko yaad karein, apni dosti ko yaad karein. Aur kabhi kabhar aise mere saath aise hota hai ki jo main dosti khatam kar leti hu to I tend to remember the good times more than the bad. And then I question myself ki, oh, maybe I shouldn't have ended it, you know, there were so many good times. But then you have to sit down and remind yourself that yes, there were good times, like most friendships, but the bad times, beshak agar, you know, aapke saal mein, half mahine mein 20 din bahut acche hain aur 10 din bure hain, but wo 10 din ka stress, is it worth those 20 days? And in my case, in both cases, when I ended toxic friendships, my answer was no, this is not worth it for me. So that's how you have to remind yourself that the decision you made was right for you. You might feel like, you know, मुझे इस दोस्त की बहुत ज़रूरत है, but actually दुनिया में कोई भी शख्स irreplaceable नहीं होता. You will move on, you will find new friends. शायद आपकी equation उनसे different हो, but ऐसा नहीं है कि एक दोस्त अगर ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी में इंसान के कभी दोबारा दोस्त ही नहीं बनेंगे. The other thing जो मुझे सबसे मुश्किल लगा था was letting go. इवन जब मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई इन लोगों के साथ, तो उसके बाद भी बहुत अरसा आई यूज़ टू जस्ट वंडर, ओ आई वंडर व्हाट शी इज़ डूइंग इन लाइफ, आई वंडर उसके नए दोस्त कौन हैं, आई वंडर वेयर शी इज़ गोइंग, वेयर शी इज़ लिविंग. एंड आई रियलाइज दैट आफ्टर अ पॉइंट कि ये भी हेल्दी नहीं है. आई रियली जस्ट नीड टू मूव ऑन. एंड सो वट आई डिड वॉज आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैम, बिकॉज पहले मैं बहुत फिक्सेट करती थी. यू नो, इवन बुराई करना किसी की, इट टेक्स अप स्पेस इन योर माइंड एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन कि आप एक ही शख्स की रिपीट पर बुराई भी करते जा रहे हैं. वो एक तो गीबत है और दूसरी बात आपके लिए भी हेल्दी नहीं है. सो आई हैड टू मेक एन एफर्ट टू टेल माई सेल्फ, ओके, दीज पीपल विल नॉट बी डिस्कस्ड, यू विल नॉट टेक देयर नेम्स एंड यू विल नॉट डिस्कस देम विद अदर पीपल. Because yes, it's sometimes you are curious to know, अच्छा मुझे उसकी कोई खबर मिल जाए, but it's not healthy. You don't need that information in your life, and that's the only way to move forward is just to forget that these people even exist. The other thing जो बहुत ज़रूरी है अपने लिए करना is to forgive yourself. मैं बहुत बैठ के सोचती थी कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे इतने साल पता ही नहीं चला कि ये दोस्ती मुझे ख़त्म करनी चाहिए, या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने इतने साल रियलाइज़ नहीं किया दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी. बट द थिंग इज़ यू हैव टू गिव योरसेल्फ स्पेस, यू आर ह्यूमन एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी कि अगर आपके कोई दोस्त होते हैं आप उनकी गलतियाँ भी ओवरलुक कर देते हैं. आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो आप कोई दूसरा आपको अगर बात बताते हैं आप उसको बिलीव भी नहीं करते. दैट इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी ह्यूमन टू डू दैट. And you can't keep beating yourself up over it कि काश मैंने पहले ख़त्म कर दिया होता, काश मैं पहले अकल कर लेती, काश मैं पहले साइंस रियलाइज़ कर लेती. द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ इट्स ओके, इट्स इन द पास्ट एंड नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ. एंड द वे टू फुली मूव फॉरवर्ड इज़ के नॉट जस्ट आप उस शख्स को भूलें, बट आप अपने आप के अंदर से भी ये गिल्ट ख़त्म करें फॉर नॉट हैविंग एंडेड थिंग्स सूनर. And the final thing I want to say before I end this is that it's also important to recognize कि क्या मेरे में कुछ ऐसे traits हैं जो toxic हैं. Is it that sometimes I put my friends down? Because it's also possible कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हों जिससे आपके दोस्तों को दुख हो रहा है,
वो अनकम्फर्टेबल फील करें, वो अनसपोर्टेड फील करें, बट दे हैव नॉट ब्रॉट इट अप विद यू. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट योर बिहेवियर. एक चीज़ मैं बहुत नोटिस करती हूँ, यू विल समटाइम्स मीट समवन एंड शी विल से, ओ मेरी तो लड़कियों से दोस्ती नहीं होती, आई जस्ट हैव अ बैड लक, मेरी कभी किसी लड़की से अच्छी दोस्ती नहीं हुई. एंड फॉर मी दैट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज अगर आपकी ज़िंदगी के 20-25 साल गुजर गए और आपको एक लड़की इस काबिल नहीं मिली कि आप उससे दोस्ती कर सकें, मे बी द प्रॉब्लम इज इन यू, यू नो, बिकॉज इट कांट बी. एक इंसान अगर साल में अपनी, इवन अगर आप अपने कॉलेज में आपको एक भी लड़की इस काबिल नहीं मिल रही, देन मे बी यू आर बीइंग टॉक्सिक इन दैट सिचुएशन. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं है कि किसी ने आप पे लगा दिया और आप यू नो तबाह हो गए. दिस इज़ जस्ट अ पॉइंट वेयर यू कैन थिंक अबाउट कि क्या मेरे में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए, एंड देन यू कैन चेंज देम. इट्स नॉट कि द पर्सन यू आर एट 18 और 20 और इवन 25, यू डोंट हैव टू बी दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यू नो, एक इंसान होने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही है कि आप ओवर टाइम इवॉल्व करते हैं. सो बहुत सी दफ़ा मैं ये फील करती हूँ कि मैं एट 18-19 में अपनी दोस्तों से ऐसी चीज़ों पर झगड़ा करती थी जो अब मुझ में अकल है और अब मैं नहीं करूँगी. बट अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं होता उस बारे में, मैं सोचती हाँ यार मैं तो हमेशा से ही हूँ, देन आई वुड स्टिल बी डूइंग दोज थिंग्स एंड आई वुड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो थिंग्स दैट इफ आई वॉज डूइंग एट 18, इफ आई वॉज स्टिल डूइंग एट 28, पीपल वुड जस्ट नॉट वॉन्ट टू हैंग आउट विद मी. सो इट ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट हाउ यू आर एज अ फ्रेंड. डू योर फ्रेंड्स फील सपोर्टेड बाई यू? डू योर फ्रेंड्स फील कि आप उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको कंपैशन शो करते हैं? डू यू पुट देम डाउन और डू यू बिल्ड देम अप? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड डेफिनेटली आई मीन फ्रेंड्स आर अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी फ्रेंडशिप्स, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ें दो तरफा होती हैं. योर फ्रेंड शुड सपोर्ट यू एंड यू शुड सपोर्ट देम, एंड इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, यू आर फ्री टू एंड दैट रिलेशनशिप. एंड इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग देम, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर हैबिट्स एंड चेंज हाउ यू रिएक्ट सो दैट योर फ्रेंडशिप कैन बी स्ट्रेंथन. थैंक यू सो मच इफ यू सॉ द होल वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट. दिस इज़ लाइक आई सेड, ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है और मैं, और ये बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन है. मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मैं ये इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बनाने लगी थी, बट इट जस्ट गॉट सो लॉन्ग. आई थॉट यू नो व्हाट, इसको यूट्यूब पे लगाते हैं बिकॉज दिस मेक्स मोर सेंस फॉर दिस प्लेटफॉर्म. बट आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस अबाउट द रिस्पॉन्स बिकॉज आई डोंट हैव एन ऑडियंस हेयर, आई डोंट हैव एनी सब्सक्राइबर्स हेयर, आई डोंट नो इफ एनी वन विल इवन वॉच दिस वीडियो. इफ यू आर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक कि हम उसके बारे में बात करें, then please do let me know and I would love to talk about it. Thank you.